बड़ी देर लगा दी लच्छी, भूख से तो मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। बता खाने के वास्ते क्या लाई है? खाने के वास्ते भी लाई हूँ और पहनने के वास्ते भी। पहनने के वास्ते? हाँ। पहनने वाली चीज बाद में, पहले बता खाने के लिए क्या लाई। खाने वाली चीज बाद में दिखाऊंगी, पहले पहनने वाली देखना। दिखा। ये ले। हाँ, ये क्या है? ये तावीज है, इसके अंदर तेरी मेरी प्रीत का लेखा जन्म जन्मों के लिए पक्का लिखा गया है। हाँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारे सच्चे प्यार के रास्ते में ना मेरा शराबी और जुआरी चाचा आ सकता है और ना तेरा थानेदार बापू। अच्छा। हाँ। तो पहना दे गले में, जल्दी कर। गले में तो पहना दिया, कुछ गले के अंदर भी डाल दे। आप बैठ जा। मैं पराठे लाई हूँ तेरे वास्ते लेखा। इस तरह नहीं, जिस तरह रोज खिलाती है उसी तरह खिला। अच्छा। हाँ। मुंह खोल। ये ले। माफ करना भाई, तेरे साथ एक जरूरी काम था। कहो क्या काम है। जरा इधर आना, अकेले में, मैंने तुझसे कुछ पूछना है। पूछ, क्या पूछना है? पहले तो ये बता कि ये चिड़िया कैसे फंसाई है। चिड़ी? तेरा दिमाग तो सही है ना, पहले मुझे ये बता कि तू किस चिड़ियाघर का उल्लू है। मैं भी तेरे जैसा प्रेम का पुजारी प्रीतम हूँ। तूने मुझे उल्लू कहकर अपने आप को गाली दी है। मैं गांव में नया नया आया हूँ लड़की फंसाने, जिस तरीके से तूने लड़की पटाई है वो तरीका मुझे बता दे। तू यहाँ से चुपचाप चला जा, मैं तो मार मार के तेरा कीमा बना दूंगा। ओ प्रीतम, ये लड़की पटाने का मुहूर्त कुछ अच्छा नहीं निकला लगता। ये आदमी क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, तू पराठा दे। वो कुछ तो पूछ रहा था। पूछ रहा था खेतों में दाना कैसे बिखरे। अच्छा, वो बेवकूफ है, तो खिला। सिखा देना यार, तेरा जाएगा क्या? तो यहाँ से जाएगा कि नहीं? पर सिखाने में हरज क्या है? इसे बता दो ना, पीछा छुड़ा, दाना बिखरना कौन सा मुश्किल है। दाना बिखेरना तो ठीक है, पर बिखेरना किस तरह है? ठहर, तुझे बताता हूँ दाना किस तरह बिखेरा जाता है। तेरी तो मुझे मारना नहीं, मैं परदेसी हूँ। ठीक है, नहीं मारता, मेरी एक बात सुन। हाँ। जिस तरह मैं पीछे पड़ा है ना, उसी तरह किसी लड़की के पीछे पड़ जा। तो फिर? फिर कान इधर ला। ओ, हाँ। मान गया उस्ताद जी, मान गया। तो फुट। मैं चला उस्ताद जी। ये कोई पागल लगता है मुझे। सच्ची पागल है। पता क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? कि लड़की फंसाने की तरकीब क्या है। हाय, मैं मर गई, फिर तूने बता दी। हाँ, मैंने उसे ऐसी तरकीब बताई है कि उसका सर फटा होगा, पगड़ी गिरी होगी और मुंह खुला होगा। तो आप तू अपना मुंह भी खोल। आह, कितनी अच्छी खुशबू है। असली घी है अपनी गाय का। अरे पगली, मैं तो तेरा हाथ सूंघ रहा था। तेरी उंगलियां बिल्कुल मिश्री की डलियां, कमाल है। छोड़, मुझे तंग ना कर। अरे मैंने कहा उस्ताद जी। उस्ताद के बच्चे तो फिर आ गया। एक गुर और पूछना था। अच्छा, मैं तो जाती हूँ। ये पराठे तू आप ही खा लेना, मुझे देर हो रही है, मैंने दूध बाजार लेकर जाना है। अच्छा, पक, तुझे क्या पकना है? दाना बिखेरना तो सिखा दिया, अब ये सिखा दो दाना कहाँ बिखेरूं और किसके आगे। क्या मेरा मतलब है, मुझे जवान लड़की मिलेगी कहाँ। जवान लड़की? तू सीधा बाजार जा,
वहां तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बाजार? हाँ। कौन है तू? जी दास को कहते हैं यक्का। माँ ने नाम रखा था लाड से काका, पर बड़े चौधरी जी ने का को निकाल दिया और बना दिया यक्का बगैर घोड़ी का। तो यहाँ क्या कर रहा है? जी गुलामों का और क्या काम है? छोटे चौधरी कर्मराज जी ने तुझे घर बुलाने के लिए इस यक्के को यहाँ भेजा है। ल चढ़ जा हमारे ऊपर। कर्मू से कहना अपनी माँ को भेजे। अगर तुझे इस यक्के पर चढ़ना पसंद नहीं तो फिर मुझे गोदी। अरे मुए! अरे लच्छी, किसी को हाथ से मारती है और किसी को आंख से, इस गांव का होगा क्या? कर्मू आगे ना बढ़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे लच्छी, कहना मान ले, या तो गला ही काट दे या गले से लग जा। बापू गांव से बाहर गया है, हवेली सारी खाली है, चल सिर्फ तेरी जरूरत है, आ जा। छोड़ रे। ओ यके, जा भाग कर रस्सी ला, ये हिरनिया से काबू आने वाली नहीं। अभी लाया सरकार। मेरे हजूर सरकार, रस्सी तो मिली नहीं, ऐसा कीजिए इस नारे से ही काम चला लो। बेवकूफ कहीं का। छोड़ दे। हो गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्मू अब गांव की बहू बेटियों की इज्जत पर भी हाथ डालने लग गया। अरगम जनाब, चल मेरे साथ। चलो जी। बदमाश के बच्चे, मेरे इलाके में गुंडागर्दी करता है। थानेदार साहब, हट जाओ मेरे रास्ते से, इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है। तेरे सर पर खून सवार नहीं, बदमाशी का भूत सवार है, और मैं बड़े बड़े बदमाशों के भूत उतार चुका हूँ। तू किस खेत की मूली है? थानेदार साहब, मेरा नाम कर्मू है, मैं इस इलाके के सबसे बड़े चौधरी का बेटा हूँ। यूं एक छोकरी के वास्ते मुझसे टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कर्मू जिस चीज पे हाथ डालता है उसे कभी छोड़ता नहीं। ये थानेदार भी जिस बदमाश पर हाथ डालता है उसे छोड़ता नहीं। मैं तेरी करतूतें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तेरे बापू को भी वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन अब तेरा ये गांव की बहू बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जेल में बंद करके रहूंगा। मुझे जेल में बंद करने से पहले उसका अंजाम सोच लो, मेरा बापू कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। कान खोल कर सुन लो। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस थानेदार के होते हुए इस इलाके में कोई बदमाश और बेईमान नहीं रहेगा। अलग्राम लाओ अटकड़ी। फुम्मन, अरे फुम्मन, अरे क्या हुआ यके? पजामा हाथ में पकड़ा हुआ है। अरे तू पजामे की बात कर रहा है? यहाँ हमारी इज्जत टूट गई है। हुआ क्या? कर्मू शाह को थानेदार ने हाथकड़ी लगा दिया है।
थानेदार की ये हिम्मत, एक एक की लाश बिछा दूंगा। यके चौधरी जी का नमक खाया हुआ है और ये दंड बैठक और तैयारी किसी रखी हुई है, चलो देखूं। अरे रहने दे, ये ताकत किसी और को दिखाना। अरे हमें तू क्या समझता है, अगर हम डर गए हैं तू किसके दिबूली है? क्या कहा? अरे बैठा रहा, चौधरी जी घर पर नहीं है, कहीं कोई और लफड़ा ना डाल देना। और हाँ, थानेदार जी ने साफ कह दिया है कि अब इस गांव में कोई बदमाश और बेईमान नहीं रहने दूंगा। चार जय बेईमानी तेरा ही आसरा। शाहजी ये क्या कर रहे हो? पानी तो मैंने सुबह ही दूध में डाल दिया था। अरे चुप करे गरे, तू कुछ कमाई भी करने दिया कर। करो। भैया मैंने सब कुछ देख लिया है, आज फिर तूने दूध में पानी मिलाया। तूने तो सौगन खाई थी। वो तो मैंने कल खाई थी, ला डोल दे दूध डालूं। नहीं मुझे खालिश दूध चाहिए, आज पिताजी का श्राद्ध है। ओहो तो फिर क्या हुआ, पिताजी भी लोगों को पानी वाला दूध ही पिलाते थे और अब हम भी उसे वैसे ही दूध भेजेंगे, पगली कहेगी। ला दूध डालूं। नहीं मुझे पानी वाला दूध नहीं चाहिए, खालिश दूध घर भिजवा देना। सुन लिया, मैं जाती हूँ। अरे मेरी बहन बड़ी जिद्दी है भाई। अरे हंसता क्या है, खोंचा मार। शाहजी खालिश दूध तो वो आ रहा है, वो देखो। संभलो। ये ले तोलाराम, जल्दी से दूध माप ले। अरे लच्छी दूध को देखा कर रहे, मेरी तरफ क्या देखता है? ला। आए। शाहजी यूं आहे भर के अपना कलेजा क्यों जलाते हो? यह चिड़िया अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देने वाली। और चुप कर करे कहीं के, पानी मिलाना तो धंधा है हमारा। सो तो है, और तू मेरी उम्मीदों पर क्यों पानी फेर रहा है? आए लच्छी। एक पाव दूध और सात सलाद मुफ्त। अरे वाह भाई, तू तो बड़े काम का आदमी है, जरा मुझे एक मुफ्त सलाद तो देना। मुफ्त सलाद फिर दूंगा, पहले पाव दूध पी। अरे दूध पी लेंगे, पहले सलाह का नमूना तो दिखा। अरे सलाह का भी कोई नमूना होता है? अरे क्यों नहीं होता? अरे बात सुन, इस गांव में कोई जवान लड़की कहाँ मिलेगी? अरे दफा रे तू, और रिड़कू ये क्या पूछ रहा है? अजी सलाह दे दो, यहाँ से दूध पिएगा माल खटाएगा। हाँ तूने जवान लड़की का क्या करना है भाई? मैंने भाई लड़की को फंसाना है, मैं इस गांव में नया हूँ और लड़की को फंसाने की मेरे पास बहुत बढ़िया तरकीब है। हाँ। उसी की तो जरूरत है, बता देना यार। अरे मैं तुझे भी सिखा दूंगा, पहले तुझे मुझे दूध पिलाना पड़ेगा मुफ्त। दूध भी पिलाऊंगा और मलाई भी खिलाऊंगा, पर तरकीब बता दे। ये हुआ ना सौदा, ऐसा कर तू पहले पपी दे। क्या कहा रे? पप्पी। हाँ? पप्पी मर परे, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं मांग रहा। तू भी तो कोई अच्छी तरकीब नहीं पूछ रहा। अच्छा अगर पप्पी लेनी है तो इसकी ले ले। शाहजी इसको तुम्हारा मुंह पसंद आया है, इस रिड़कू को क्यों अपने मामले में रगड़ रहे हो? ये बच्चा ठीक कह रहा है, तूने पप्पी देनी है कि नहीं? अब तो देनी ही पड़ेगी, तरकीब जो पूछनी है। पर भैया जरा पीछे चलकर, यहाँ मुझे शर्म आती है कोई देखना ले। जल्दी चल, तू जरा दे सही बस, जल्दी कर। आजा जल्दी। तू अपना काम जल्दी कर यार, मुझे जाने की जल्दी पड़ी है। हाँ तो लड़की पटाने की तरकीब क्या है? अरे तरकीब तो यही है, जिस चीज की जरूरत हो उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे मत छोड़ो। तरकीब तो बढ़िया है यार। बढ़िया है ना? हाँ। अब इतना कह दे, मुझे जवान लड़की कहाँ मिलेगी? कुएं पर चला जा, लड़के लड़कियां हैं। कुआं? ये कुआं है या इंदर का अखाड़ा? इस छोटे से कुएं में दुनिया भर के आशिक डूब सकते हैं, एक से एक बढ़ के। पसंद करूं तो किसे करूं? यही ठीक है, कद भी एक जैसा और जिस्म भी।
कौन है रे तू? क्यों रे, मैं तुझे यहीं बता दूं या तेरे घर चलकर? अरे उम्र मर जाने, तुझे काम क्या है? काम तो मुझे बहुत जरूरी है, यहीं करोगी या घर चलकर करोगी? नहीं नहीं, यहीं किए देती हूँ। तो जल्दी कर। मजा आ गया, एक जल्दी से यहाँ भी मार। सबके जाऊं, क्या फौजी हाथ है? क्यों, हो गया ना काम पूरा, अब मैं जाऊं? अरे पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू होने लगा है। इस जूते पर नई नई नालें लगवाई हैं, इसको मेरे सिर पर मार और मेरा सिर फाड़ दे। अरे मुए, तू तो मुझे कोई पागल लगता है, जा किसी और से फड़वा। फाड़ना तो तुझे ही पड़ेगा, मुझे ज्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। उस्ताद जी ने कहा था कि तू उसे छेड़ेगा तो वो जूते मार मार कर तेरा सिर फाड़ देगी, सिर फाड़ेगी तो खून निकलेगा, खून को देखकर उसे तरस आएगा और वो चुंडी फाड़ कर तेरा सिर बांधेगी। उसकी फटी हुई चुंडी देखकर माँ पूछेगी किसने फाड़ी, अगर लड़की ने राज छिपाया इसका मतलब है तूने लड़की पटाई। ओ मुए मर जाने, भाड़ में जा तू। अरे लड़की भाड़ में जाना नहीं, मुझे कहते हैं प्रीतम दीवाना, अब तो कहो अपना पता ठिकाना। मुए मेरे घर ना आना, मेरा भाई बड़ा जालिम है, तेरा सर काट के रख देगा। चाचा लगता है रात की पी हुई उतरी नहीं, मैं हूँ तेरा गुलाम तोला राम। अरे ससुरे, रात कहाँ मर गया था, दो गुलाम आए थे दो, तू भी आ जाता तो तिस्सर लग जाती, पूरे 100 रुपए की बाजी थी, 100 रुपए की। अच्छा पर लच्छी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई है। सुना है कल उसने चौधरी के बेटे कर्मू को अंदर करा दिया है। चाचा अपनी भतीजी पे आंख रखा कर, जमाना बड़ा खराब आ गया है। तुम्हारे होते हमें काहे की फिक्र, तुम ही आंख रखा करो। अरे हम तो कितनी देर से आंख रखे बैठे हैं, पर वो है कहाँ। Oh,
लकीरेरी डालू धरती की छाती पे जो मैं लकीरेरी जग की जो सोई है जगाऊं तक धीरेरी जग की जो सोई है जगाऊं तक धीरेरी की जो कमाई मैंने सारा जग खाए हो की जो कमाई मैंने सारा जग खाए मैं घबरू पंजाबी नहीं काहे तेरा दिल घबराए मैं घबरू पंजाबी नहीं काहे तेरा दिल घबराए चुंबन मांगने लगा है कहीं जूते ना पड़ जाएं। अरे तोलाराम तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तरफ ही आ रहा था, एक काम था तेरे साथ। क्या काम है? तुझसे एक चीज मांगनी थी, दे देगी? देने वाली होगी तो जरूर दे दूंगी। मांग लूं? हाँ मांग ले। कैसे मांगूं? शर्म आती है। शर्माता किस लिए है, मैं कोई बेगानी थोड़ी हूँ। ये कहकर तो तूने मेरा दिल बड़ा कर दिया। भला बूझ मैं तुझसे क्या मांगना चाहता हूँ। मुझे क्या पता, कोई अता पता कहना। अता पता? हाँ। उसका पहला अक्षर है च, च। च, च? च से तो चुनरी भी होती है, वो तू क्या करेगा? चुनरी नहीं, कोई और चीज है। अगर उसका दूसरा अक्षर कह दिया तब तू समझेगी। कह दे दूसरा भी। कह दू? हाँ। दूसरा 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 कहीं मारेगी तो नहीं? मैं समझ गई तू क्या मांगना चाहता है। तू बड़ी सियानी है। आ गया तू दू और आंखें बंद कर। बड़ी भोली है, मैंने चाह से मांगा था चुंबन, अब वो समझ बैठी चपत। चलो कभी फिर समझा देंगे। अब मैंने कहा शाहजी, शाहजी काम हो गया ना? और काम तो हो गया, पर जो चीज मैंने मांगी थी वो नहीं मिली, कुछ और ही मिला है। क्या मिल गया? जरा नजदीक आ। ये ले। और नजदीक। आंखें बंद कर। गधे का बच्चा पूंछ की तरफ पीछे लगा हुआ है, यहाँ आगे बेइज्जती खराब हो गई है।
सब अपने अपने मटके मटकियां भरवा कर चली गई, पर वही नहीं आई जिसका इंतजार है। ऐसा ना हो कोई और पटाखे ले गया हो। अरे वो आ गई। हाय हाय, बड़ी देर लगा दी तूने तो, मुझे मुसीबत में डाल दिया है। हाय रे हाय मुए, तू तो सचमुच ही आ गया। तो तेरा क्या मतलब है, मैं कोई झूठ मूठ का प्रीतम बना हूँ? अपनी मटकी दे दे, मैं तेरा पानी भर देता हूँ। पीछे हट, मैं आप ही भर लूंगी। आशकों के होते हुए आप नहीं भरा करते। सुन रे, हाथ नहीं लगाना मेरी मटकी को। अब तो मैं हाथ लगाऊ ही लगाऊ, बेशक तू मेरा सिर फाड़ दे। हे भगवान, तू तो पीछे ही पड़ गया है, ले पकड़ मटकी। मुआ, मरा तो मैं पहले था, अब तो तुम जान फूक रही हो। उस्ताद जी, तुम्हारी तरकीब जम गई है। चल अपने घर चल। हाय रे मुए, अब तो मेरे घर भी चलेगा? तो पहले मेरी सलाह थी कि तुझे अपने घर ले चलूं, अब तू मुझे अपने घर ले चल। मुझे क्या, कल मुआ कहेगा, चल अपने आप वजन से मरेगा। चल मरे तेरा भाई। क्या कहा? ओ, नहीं नहीं, मेरा भाई, मेरा भाई। चल चल मतवाली चल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया घर है तुम्हारा। किस पर तुम सोती हो, अकेली? नहीं, मेरी जूती सोती है यहाँ। तो फिर मुझसे तो वो जूती ही अच्छी है, उस भाग्यशाली के जरा दर्शन ही करा दो, एक बार उसे ही छाती से लगा लो। अरे अगर मेरा भाई आ गया ना तो तेरी छाती का पटाखा बजा देगा, चल भाग यहाँ से। कमाल है, अरे तेरे घर आए, कोई पानी वानी नहीं पूछोगी? जो बाद में तूने रोटी भी मांगी तो? रोटी तो मैंने 4 दिनों से नहीं खाई, जिस दिन से इस गाँव में आया हूँ पानी से ही पेट भर रहा हूँ। क्या तू सच कह रहा है? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सारी दुनिया ही घर है, लेकिन कहीं कोई ऐसा नहीं जो रोटी खिलाए मुझे। फिकर ना कर, मैं रोटी खिलाती हूँ, बैठ जा इधर। इधर बैठ जाऊं जहाँ तू अकेली सोती है? हाँ हाँ बैठ जा। अच्छा, वाह वाह वाह, मजा आ गया, यहाँ तो काम बन गया उस्ताद जी। हाय हाय, लिखा मजा आ गया, मजा आ गया। जरा सुन, मेरे काम और करेगी क्या? एक निवाला अपने हाथों से मेरे मुंह में डाल दे। क्या, मर गए? डाल दी ना मुसीबत। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मुए, मेरा भाई आ गया है, अब अब अरे चल जल्दी पलंग के नीचे छुप जा, चली गया ना। अरे ओ छुप ना, क्या मुसीबत हो। हाय अरे भैया, तू अंदर क्या कर रही थी? अच्छी भैया, बस जरा ही। यूं ही क्या, चल जरा रोटी परोस। भैया बात यह है कि आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो तुम्हारी रोटी भी मैं खा गई। खैर कोई बात नहीं, मैं और पका देती हूँ। ये किसकी रोटी पड़ी है? ये मेरी झूठी रोटी है भैया। तू मेरी छोटी बहन है, अगर तेरी झूठी रोटी मैं खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बड़ी भारी आवाज थी चींकी। भैया सर्दी की वजह से मेरी आवाज जरा भारी हो गई है। अब मुंह ऊपर करके मार, आप ही आ जाएगी। भैया भैया पानी लाओ। पानी छोड़, तूने छींक एक मारी, आवाजें दो आई, ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं भैया, मैंने छींक तो एक ही मारी पर उसकी आवाज उस दीवार से टकरा कर वापस आई है। दीवार से टकरा कर? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। अच्छा भैया।
हाय, शुक्र है तेरा भाई चला गया। आज तूने मुझे बड़ी होशियारी से बचाया है, नहीं तो मुझे जूते पड़ जाने थे। अरे अब तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जूते मार मार कर तेरा सिर गंजा कर दूंगी। भाग यहाँ से। जाता हूँ। जा यहाँ से। जाता हूँ। जा। हे भगवान। आओ शाजी दूध पिलाए। नहीं भाई, कोई चूरन वूरन की गोली हो तो खिलाओ। चूरन? हाँ, मेरे पेट में हवा रुकी है, मैं तो आज फंस गया था। पर तू तो लड़की फंसाने गया था। मैं तो अपने माशूक के हाथ की बनी हुई रोटी भी खा के आया हूँ। अच्छा, माशूक के पास तो मैं भी गया था, पर मैं तो कुछ और ही खा कर आया हूँ। तू क्या खा के आया है बताऊँ? ये थप्पड़ खा के आए हैं। ओ चुप करो गधे, मालिकों के पोल नहीं खोलने चाहिए। अगर मैंने माशूक से थप्पड़ खा भी लिया तो फिर क्या हुआ? जूते खाते खाते तो मैं भी बच गया, पर सबके जाऊं मेरे माशूक पर जिसने मुझे बचा लिया। वो कैसे? वो अपने सुंदर सुंदर हाथों से मेरे मुंह में निवाले डाल रही थी, इतने में आ गया उसका उल्लू का पट्टा घोचू भाई। तो फिर माशूक ने अपने आशिक को पलंग के नीचे छिपा दिया। तो फिर उसका भाई कहने लगा कि बहन मैं रोटी खाऊंगा। बहन कहने लगी तेरी रोटी तो मैंने खा ली। पूछो फिर। तो फिर वो उल्लू का पट्टा कहने लगा ये जो रोटी पड़ी है वो घोचू मेरी झूठी रोटी खा गया। बस बस सब ठीक है। ओ शाहजी आगे तो सुनने दो, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी फिर क्या हुआ? मैं था पलंग के नीचे, मुझे आगे छींक, फिर मेरे माशूक ने मेरे साथ ही मार दी छींक। हम दोनों की इकट्ठी बदली। फिर वो उल्लू का पट्टा कहने लगा ये भारी आवाज कहां से आ रही है? आप तो चुप करता कहीं, चल चलता हो, इधर धंधे का टाइम हो गया है। अच्छा भैया तो चलते हैं फिर। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं हुई। तू बहुत खूबसूरत है। हाँ तू बड़ी खूबसूरत है। उई माँ, उई, क्या हुआ? चोट लग गई। चोट लग गई? हाँ। सलामत दबा दूँ? इधर नहीं, मेरे पैर दबाता, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम रांझा। अगर पुराना वक्त होता मैं रांझे की तरह बगैर तनख्वाह तेरे घर नौकर हो जाता, गाय भैंस संभालता और तेरी भी सेवा करता। ना ना, ये रांझे से बिछड़ गई थी और रांझे ने जहर खा लिया था। ओ भोली, आजकल के आशिक जहर नहीं खाते, वो प्यार के दुश्मन कैदों की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। अव्वल तो साधु को पैदा नहीं होने देते और अगर वो पैदा भी हो जाए तो उसका मामला नहीं जमने देते। इतनी ऊंची ऊंची कहानियां कहता है तो मुझे डोले में बिठा के क्यों नहीं ले जाता? क्यों दो रूहों को तरसा रहा है? यही सवाल तो मैं ऊपर वाले से पूछता हूँ। उसने इस कहानी में कैदों को तो नहीं भेजा, पर मेरे बाप को थानेदार बना दिया, जो इतना सख्त है कि उसके सामने मुझे अपनी शादी की बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बस मौका देखते ही मैं माँ से बात करूंगा, पर वो बेचारी बहुत दुखी रहती है। बचपन में मेरा बड़ा भाई एक मेले में खो गया था, उसके बाद वो रोज मंदिर जाके देवी माँ के सामने उसकी वापसी के लिए प्रार्थना करती रहती है। ए देवी माँ, तू दुनिया के मन की मुरादें पूरी करती है। तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। मेरा बिछड़ा हुआ बेटा बिल्ला मिला दे, वो न जाने कहाँ और किस हाल में होगा। हाँ बिल्ला, सच सच कहो, मेरी रिपोर्ट किसने कराई थी? हम नहीं जानते। सच सच कहो नहीं तो जान से मार दूंगा सारों को। हमने नहीं की थी। किसने की थी? धन्ना ने। धन्ना, धन्ना, धन्ना। बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया। तूने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराकर मुझे अंदर कराया था, क्या समझ के कि मैं बाहर नहीं आऊंगा? बिल्ले,
मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बिल्ला कभी किसी को माफ नहीं करता। मेरे साथ धोखा करने वाला जिंदा नहीं रह सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दे बिल्ले, मैं तेरी पांव पड़ता हूँ, मुझ पे तरस खा। बिल्ला तरस खा सकता है, पर बिल्ले का चाकू कभी किसी पे तरस नहीं खाता। एक बार बाहर निकल आए तो खून पिए बिना अंदर नहीं जाता। कौन है तू? तेरे चाकू को खून चाहिए ना, मेरा खून ले ले इसके खून के बदले। तू इसका भाई है? नहीं। तू इसका चाचा मामा है? नहीं। तो फिर इसके वास्ते अपनी जान क्यों देना चाहता है? क्या लगता है तू इसका? मैं इसका तो कुछ नहीं लगता, पर तेरा जरूर कुछ लगता हूँ। मेरा? हाँ तेरा। मैं पिछले 18 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ, आज मिले हो। तू मेरा बाप है, रिश्तेदार है, है? शैतान का कोई बाप नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, शैतान सिर्फ शैतान होता है। मान गया तुझे, मेरे मुंह पे मुझे शैतान कह रहा है और मुझसे डर भी नहीं रहा। बोल कौन है तू? मैं एक चित्रकार हूँ। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं दो तस्वीरें बनाऊं, एक भगवान की दूसरी शैतान की। 18 साल पहले मैंने भगवान की तस्वीर बनाई थी, पर 18 साल से मुझे कोई शैतान नहीं मिल रहा था, आज तू मिल गया है। मैं तुझे शैतान लगता हूँ? हाँ, तेरी रग रग में शैतान का रूप है, उस जिसकी मैं 18 साल से तलाश कर रहा हूँ। पर मैंने भी जिंदगी में आज पहली बार सबसे बड़ा मूर्ख देखा है। तू 18 साल से छक मारता आया है और तुझे कोई शैतान नहीं मिला? ओ मूर्ख, ये दुनिया तो शैतानों से भरी हुई है, यहां हर मोड़ पे शैतान मिलेगा। तुझे उन लोगों में कोई शैतान नहीं मिला जो दवाओं में जहर मिला के लोगों को मारते हैं? तुझे उन लोगों में कोई शैतान नहीं मिला जो गरीबों से बेगारी करवाते हैं, उधार देके सूद खाते हैं, स्मगलिंग करते हैं और गरीब जनता को आपस में मिला के देश के साथ गद्दारी करते हैं? तू सबसे बड़ा शैतान है जो इंसान के खून से अपने चाकू की प्यास बुझाना चाहता है। मैं तेरी ही तस्वीर बनाऊंगा। अच्छा, अगर तू मुझे को सबसे बड़ा शैतान समझता है तो पहले मुझे उस इंसान की शक्ल दिखा जिसे तू भगवान कहता है। ये देख, साक्षात भगवान की तस्वीर। तू हंस क्यों रहा है? जिसे तू भगवान कह रहा है वही मेरे बचपन की तस्वीर है। तूने ही मेरी तस्वीर बनाई थी, याद है? तू ही भगवान और तू ही शैतान? हाँ, जिस वक्त मैं अपने माँ बाप से बिछड़ा मैं बिल्कुल मासूम था तेरे भगवान की तरह। पर भूख सबको लगती है, इस पेट में रोटी डालने के हर 8 घंटे के बाद ये पेट फिर खाली हो जाता है। मैंने रोटी के वास्ते लोगों के आगे ऐसे किया पर मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर ये हाथ ऐसे के बजाय यूं कर लिया। इस दुनिया ने मुझे शैतान बनाया क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था। पर आज से तू अकेला नहीं रहा, तू बैसाखी के मेले पर अपने घर वालों से बिछड़ गया था ना? हाँ, मैं तेरे माँ बाप को जानता हूँ, तेरे पिता थानेदार हैं, तेरी माँ है, छोटा भाई है, मैं आज ही उन्हें खबर करता हूँ। राजू की माँ, तेरी माँ ने तेरी सुन ली है। क्या हुआ? तेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। सच? ये देख तारा रही है। मेरा बिल्ला। ये देख तो सही, इसमें लिखा हुआ है ना। हाँ, राजू कहाँ है? सच कह रहे हैं ना आप? अरे राजू कहाँ? राजू, राजू खेतों में गया। खेतों में गया? खड़कनाम जी साहब। अरे सुन, तू राजू को खेत से बुलाकर ला, से कहना कि शहर चलना है। मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा चल चल, तैयार हो जा, तैयार हो जा। मैं जरा देख तू। हाँ देख ले, देख ले। बिल्ले, ये है तेरे पिता थानेदार धर्मचंद जी। मेरी पुलिस वालों के साथ हमेशा टक्करी हुई है, आज पहली बार एक पुलिस वाले के गले लग रहा हूं। आ बापुआ। आ बेटे। बिल्ले मेरे बेटे,
मिले मिले मिले, इधर देख, ये है तेरी माँ जिसने सारी जिंदगी तेरे बिछोड़े में तड़प तड़प कर काटी है। देख खुशी के मारे इसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा। देख बेटे कैसे बुत बनी खड़ी है। ये हार गले से उतार दे माँ, मैं जिसके भी गले में हार देख लेता हूं ना, मेरा हाथ उसके गले की तरफ पड़ जाता है। ये हार उतार दे माँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ तेरे गले की तरफ पड़ जाए। अगर तेरा हाथ मेरे गले की तरफ नहीं बढ़ेगा तो मैं तुझे छाती से कैसे लगाऊंगी। आ देर न कर, मेरे कलेजे को ठंडा कर दे। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अब मुझसे कभी जुदा ना होना। इस हार की तरह हमेशा मेरे गले से लगे रहना। ये देख तेरा छोटा भाई राजू। आ छोटे भाई, तू भी गले से लग जा। आ बड़े भाई के तो पांव छू जाते हैं। इन पैरों पे मैंने सारी दुनिया को ठोकर मारी है। इन पैरों पे मैंने हजारों को रोते और गिड़गिड़ाते देखा है, पर आज पहली बार एक आदमी प्यार से मेरे पैरों को छू रहा है। आ छोटे गले लग जा। राजू की मां, ये किस तरह का इंसान है? सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चले। आ बेटे, आ आ बेटे, ये है तेरा घर। घर? हाँ? ये है आपका घर? यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता था, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के भी आपने कुछ नहीं कमाया? बेटा यही तो लोगों को गलत फहमी है कि कुर्सी पर बैठने वाले ऐश करते हैं, लखपति बन जाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं। मैं नहीं मानता, लखपति तो आप भी बन सकते हो। बेटा मुझ जैसी हैसियत वाला सरकारी नौकर कभी बेईमानी के बगैर लखपति नहीं बन सकता। बाबू बहुत सारा पैसा कमाने के वास्ते आदमी को बेईमान बनना ही पड़ता है। बेईमानी जुर्म है, गुनाह है, पाप है। बाबू सबसे बड़ा पाप है गरीबी, और गरीब की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं। इज्जत है, इज्जत हमेशा उस आदमी की होती है जो ईमानदारी जिंदगी बसर करे। एक गरीब ईमानदार का सर किसी बेईमान अमीर के आगे नहीं झुका, हमेशा ऊंचा रहा है। तू इस घर में आया है, एक बात का ध्यान रखना कि अपने गलत ख्यालों से मेरे विचारों को बदलने की कभी कोशिश न करना, कभी कोशिश न करना। बेटे बाप से आज्ञाकारी बेटे बहस नहीं करते। मां बापू सिर्फ पिता ही नहीं, पुलिस वाला भी है, और पुलिस वाले इतना ही जानते हैं वफादारी। और मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, पैसा पैसा। भैया पैसा वो जो मेहनत से कमाया जाए। हम दोनों भाई खेत में मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे। धरती माँ किसान को उसके मेहनत का फल जरूर देती। धरती? धरती क्या देती है? हल फेरो, बीज बो, साल भर इंतजार करो। मुझे तो फौरन पैसा वसूल करने की आदत है, चाकू जेब से बाहर और नोट जेब के अंदर। भैया जो जुर्म ना होता तो कानून भी ना होता, जो चाकू ना होते तो जेलें भी ना होती। रोटी तो मुजरिम भी खाते हैं, पर उसे पैदा करता है किसान। हाँ हम दोनों भाई मिलकर रोटी खाएं, चल। मान गया तुझे बाप के बेटे, चल चल रोटी खाओ। थानेदार ने मेरे बेटे को अंदर करके मुझसे टक्कर ली है, मौत को बुलावा दिया है। शायद उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। चौधरी जी आप यहाँ नहीं थे इसलिए मैं चुप रहा, नहीं तो एक एक की लाश बिछा देता। सरकार ये यक्का बिना इजाजत के आगे नहीं बढ़ता, अगर हुक्म करो तो मैं भी अपने मुंह से एक काम की बात निकाल के दिखाऊं। बोल क्या बोलना चाहता है। सरकार ये थानेदार रिश्वत मांगता है
और रिश्वत मांगने का यही ढंग होता है। और भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, दो मुट्ठी उसके मुंह पर भी मार दो। शाबाश यक्के, बड़ी अकल की बात की है तूने। सरकार अगर आप इस यक्के वास्ते एक घोड़ी का बंदोबस्त कर दो ना, तो फिर देखो मेरी अकल कैसे घोड़ी की तरह भागती है। ओ बेफिक्र रहो बेटा, तेरे वास्ते घोड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। तू पहले थानेदार के लिए घास का बंदोबस्त कर। थानेदार साहब, मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ चौधरी साहब आओ, कैसे आना हुआ? पहले तो हमारी बधाई लीजिए। बैठो बैठो। आपका बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया ना, भले ही आपने मुझे मेरे बेटे की जुदाई का दाग दे दिया। चौधरी साहब, मैं अपने फर्ज से मजबूर था। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके मेरी दोस्ती का बड़ा हुआ हाथ अपनाइए। फल फ्रूट हैं, बच्चे खाएंगे। चौधरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये फल मैं कबूल नहीं कर सकता। सरकार, ये सिर्फ फल ही नहीं है, पूरा 10,000 रुपया है। कर्मों को छोड़ दीजिए, ये सारा आपका। इतनी बड़ी रकम देने वाला आपको फिर नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, इतनी बड़ी रकम को ठुकराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आप कर्मों को नहीं छोड़ेंगे और मेरी दोस्ती का हाथ ठुकरा रहे हैं। नहीं, एक थानेदार रिश्वत को ठुकरा रहा है। चौधरी साहब, मैं खबरदार करता हूं, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अंदर कर दूंगा। थानेदार साहब, शायद आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। कितनी है तेरी ताकत, जरा मैं भी तो देखूं। थानेदार साहब, बात बहुत बढ़ जाएगी, समझा लो इस बदमाश को। बात तो अब बढ़ेगी। मुझे बदमाश कर रहे हैं। बिल्ले, ओए गला पकड़ता है मेरा। बिल्ले बाबू, अगर मेरे सामने किसी की गर्दन ऊंची होए, मेरा हाथ नीचे नहीं रह सकता। बिल्ले, बिल्ले, मैं देख लूंगा दोनों बाप बेटे को। चलो आप। बिल्ले, बिल्ले, तुझे मालूम नहीं तूने क्या किया है? जाने भी दो, चल बिल्ले, चल बेटे चल। मैंने इस बदमाश को यहाँ लाकर बड़ी गलती की, ये एक ना एक दिन जरूर को मुसीबत लाएगा। चौधरी जी, आप किसी तरह की फिक्र मत करें, मैं हजूर का खाया पिया हलाल कर दूंगा, सौगंध आपकी एक एक की लाश बिछा कर रखूं। लाश सिर्फ बिल्ले की चाहिए जिसने मुझ पर हाथ उठाया है। उमन, मेरी जमीन जायदाद बाग बगीचे बेशक बिक जाएं, कोर्ट कचहरी मैं भुगत लूंगा, लेकिन बिल्ला जिंदा नहीं बचना चाहिए। चौधरी, चौधरी जी, बिल्ला जगू दुकान पे आया हुआ अकेला, एक एक की लाश बिछा दूंगा। शाबाश, चौधरी का पहलवान आ गया। यके पहलवानी, से पूछिए कौन है? घड़ा ना तू बताऊं? मैं नहीं, पहलवान जी ने पूछा है। मुझे जानता नहीं है? जानता हूँ। पहलवान जी, यही है वो बिल्ला, यही है वो बिल्ला। अगर ये बिल्ला है तो इसकी पूछ कहाँ है? जा देख कर आ। देख कर आऊं? तेरी पूछ कहाँ है दिखा। मुझे दिखाऊं? हाँ। ओ, ओ पहलवान जी, इसकी पूछ है, मैंने देख लिया, देख लिया। ये मच्छर कौन है? कौन है तू? मच्छर है बकरी। वो बिल्ले जी पूछ रहे हैं। मेरा नाम फुम्मन है। फुम्मन बिल्ले जी, ये फुम्मन है। फुम्मन किसका? फुम्मन ओ किसका? फुम्मन माँ का कहूँ या पिता का? वो यक्के के बच्चे है, तुझे पता नहीं मैं चोर जी का फुम्मन हूँ? तेरे चौधरी की तो मैं। बिल्ले मुंह संभाल कर कुछ कहना, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो जानता है, झज्जियां उड़ा दूंगा। पहलवान जी, दिखा दो इसे ताकत। ये देख, अब बोल। अब बोल। अरे आपस में भी लड़ो, मेरी क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? और ये कहे, इसे कहे पहलिए करे। पहल तू कर। Ah! 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 Ah
लाशें बिछा दूंगा। चौधरी साहब आज तो लड़ाई का मजा ही आ गया। अच्छा क्या हाथ चले हैं, क्या दुलत्तियां चली हैं, सारा गांव फुम्मू को देखता रह गया। अरे हाँ भाई, हमने वैसे तो अपने पट्टे को घी मक्खन बादाम नहीं खिलाए हैं, हमने उसे भारत केसरी बनाना है। पर आज तो उसने सारे मक्खन और माँ के दूध पर पेशाब कर दिया। क्या मार खाई है, कसम से नशा आ गया। क्या बकता है, आप भी देख लो। अरे फुम्मन भैंसे मार खा के आ गया। चौधरी जी, बिल्ला मेरे काबू ही नहीं आया, कसम आपकी, नहीं तो मैं उसकी लाश बिछा देता। अरे दूर मर जाके, गेंडा कहीं का भारत केसरी बनेगा। सच सच कह, इस घर में क्या हो रहा है? भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तुझे सच सच कहती हूँ, वो मुआ जो है ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? क्या तुझे ये नहीं पता कि तेरा ब्याह फुम्मन पहलवान के साथ होने वाला है? अगर साला मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर रख दूं। मुझे लगता है वो आ गया, मैं छुप जाता हूँ और तू दरवाजा खोल, आज उसे दिखाता हूँ चार पैंतरे। सुंदरी ये देख, आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पान, इसको अपने मुंह में डाल ले, फिर इसके खाने के बाद तेरा मुंह भी मेरे मुंह जैसा लाल हो जाएगा। क्या हुआ, बहुत चुप है, कहीं तेरा उल्लू का पट्टा भाई घर तो नहीं है? देखो ए, खबरदार जो मेरे भाई को उल्लू का पट्टा कहा। तो मैं उसे क्या कहूँ, गधा, बकवास बंद कर। ओहो, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, गुस्सा थूक दे और साथ ही मैं भी थूक देता हूँ। ओए उल्लू के पट्टे, तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, ये हमारे माशू का घर है। ओए माशूक होगी तेरी, मेरी तो ये बहन है। ओए बहन होगी तेरी, मेरी तो माशूक है। बहन, ओए ओए मर गए। ठहर जा, तू भागा किधर जाता है, अभी तेरी जान ही चल दूंगा। भैया इसको ना मारो। तू पहले ये बता, तूने इससे ब्याह करना है या पहलवान के साथ ब्याह करना है? भैया मैंने दोनों में से किसी के साथ ब्याह नहीं करना। एक से ब्याह करना ही पड़ेगा, फैसला कर ले। फैसला? स्वयंवर करा लो। स्वयंवर नहीं भैया, कुश्ती करवा ले। ये ठीक है, कुश्ती करवा लेते हैं। मर गए, कहीं कुश्ती में मेरा ढोलक ना बच जाए। तू तू क्या कह रही लच्छी, अब तो ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो गया, मेरा बड़ा भाई मिल गया और मेरे बापू और माँ बहुत खुश हैं। बस बैसाखी का मेला आने दे, मैं कोई अच्छा सा मौका देखकर अपनी माँ को तेरे चाचे के पास भेज दूंगा, वो चाचे को और हमारी किस्मत को मनाएगी। आप तो खुश है ना? हास हास आ आ। माफ करना उस्ताद जी, मैं तुमसे एक गुर पूछने आया हूँ। तू इसे गुर सिखाता रहे, मैं चली। क्यों रे, तू हर वक्त कबाब में हड्डी बन के क्यों आ जाता है? अरे उस्ताद जी, यहाँ मेरी हड्डियां टूटने का मामला बन गया है। हुआ क्या कहना? हुआ ये जी कि एक पहलवान मेरे प्यार के रास्ते में आ गया है, उसे हटाने के लिए मुझे उससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी, मुझे कोई दावा सिखाओ। दावा तो किसी पहलवान से सीखो जाकर। किस पहलवान से सीखूं? मैं तो सिर्फ एक पहलवान को जानता हूँ, उसका नाम है फुम। फुमन? हाँ फुमन। 112, 113, 114। अरे मैंने कहा पहलवान जी, मैं तो गिनते गिनते थक गया और अब दंड निकालते निकालते नहीं थके, ये दंडे निकालते रहेंगे कि ब्याह के बारे में भी सोचेंगे, मेरी बहन ब्याहने लायक हो गई है। अरे सुन रे तोलाराम, आज कान खोल के तू सुन ले, जब तक मैं हिंद केसरी नहीं बन जाता मैं ब्याह नहीं करूंगा। तू ब्याह का किस्सा छोड़ और कुश्ती की तैयारी कर। कुश्ती?
कुश्ती तो एक पहलवान आपसे करना चाहता है, अगर कहो तो बैसाखी के दिन ले आऊं। अरे ले आना पहलवान जी, कड़ाके निकाल दो। बोला राम, सौ रब दी लाश निकाल दूंगा। पहलवान जी ये क्या कर रहे हैं? तू जल्दी जा दुकान पर और एक बाल्टी दूध की भेज दे। अच्छा, मलाई मत भूलना। अच्छा पहलवान जी, पहलवान जी कड़ाके निकाल देना उसके। मैंने कहा फुम्मन लाल जी। कौन है बे? ओ फुम्मन जी, 427 क्या है भाई? मैंने कहा पहलवान जी, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई दाव पे सिखाओ। दाव पे? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दाव पे नहीं सीखना। तुम ऐसा करो, मुझे कोई पहलवानों की कमजोरी बताओ। बात यह है, मुझे एक गधे पहलवान को गिराना। गधे को गिराना है? मुझे गिराना है? गधे को गिराना है? बात सुन, मुझे किसी पहलवान की कमजोरी का तो पता नहीं, लेकिन जब कोई मेरे पेट की तरफ उंगली करे तो मैं डर जाता हूँ। तुम्हारा मतलब है कोई तुमको अगर ऐसे करे? ऐसा ए, ए, मत कर, ए, 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 ए। तेरे गज गज जी, तेरे गज गज लंबे बाल दिया है रब ने जी, दिया है रब ने रूप कमाल। आशिक जिएंगे, आशिक जिएंगे किस हाल। चढ़ी जवानी निखर चौबारे, चुन्नी उड़ उड़ जी, ओ चुनरी उड़ उड़ करे इशारे, कानों में लगते ओ कानों में जी मोती न्यारे। शर्मा जाते जी, शर्मा जाते चांद सितारे। ये हैं जोगी भीनो वाले, लाखों कीले जी, लाखों कीले फनियर काले। तौबा नहीं करते ओ, तौबा नहीं करते दिल वाले। हंस हंस पीते जी, हंस हंस पीते जहर प्याले। चल के प्यार के महल बनाए, यारी करके
ओ तोला राम। हाँ जी। ला अपना पहलवान कहाँ है? भगवान कसम कड़क के निकाल कर रख दूंगा। अभी लाया जी। ओ जल्दी लेकर आ। अभी लाया जी। बाप रे। चल रे। बाहर निकल। अंदर कहाँ छुपा बैठा था? पहलवान तुझे ललकार रहा है। अरे भैया तोला राम जी, बड़ा दर्द हो रहा है पेट के अंदर और सुबह से तीन बार जंगल जा चुका हूँ और चौथी बार फिर जा रहा हूँ। अच्छा फिर तो जंगल जा, मैं रानू का ब्याह किसी और के साथ कर दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। तो फिर चल लड़ने को तैयार हो जा। लड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, रानू के लिए लड़ूंगा। तो चल चलो चल चल, तू आगे चल, मैं आ रहा हूँ। तोलाराम ये पकड़ छुआरा और अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दे और 125 निकाल कर मेरी हथेली पे रख दे। वाह रे वाह, ये किस खुशी में? अरे भाई मैं सारे इम्तिहानों में कामयाब हो गया हूँ, अब तो हमें ब्याह दे। वाह, यहाँ तो बात अभी बनी नहीं और तू पहले अपने ब्याह की कहानी डाल रहा है। पहले मुझे असली तरकीब सिखा जिससे लड़कियां पटाते हैं। अरे भाई मैं तुझे असली तरकीब भी बताता हूँ, तू इधर आ जा। चल। अरे बादशाह यही कुछ सिखा दो, हमारे भी कुछ पल्ले पड़े। और चुप कर पल्ले पड़े के बच्चे, सारा पैदा हुआ नहीं पहली लड़कियां पटाने की तरकीब पूछ रहा है। आओ जी आओ चले। चलो चलो। लो उधर कोई होने लगा है बड़ा काम। हाय रे भगवान तूने जवानी क्यों बनाई। तू मुझे जूते क्यों मार रहा है? मैं तरकीब करके तुझे समझा रहा हूँ, तू ये समझ मैं लड़की हूँ तो तू मुझे छेड़। कैसे छेड़ू? जैसे तेरी मर्जी, तू मेरे गाल मसल। समझ ले मैंने तेरे गाल मसले, आगे बोल। तू लड़की को छेड़ेगा वो क्या करेगी? वो मुझे जूते मारेगी और क्या करेगी। बिल्कुल ठीक, वो जूते मारेगी तेरा सिर फट जाएगा। पर अगर कहीं सिर ना फटा तो? नहीं तुझे सिर फटवाना ही पड़ेगा तो ये काम बनेगा। चल आगे बोल। तेरा सिर फटेगा। हाँ। तेरे सिर से खून निकलेगा। हाँ। खून को देख कर लड़की को तरस आएगा। आएगा। वो अपनी चुनरी फाड़ कर तेरे सिर पर बांधेगी। हाँ। तो फिर काम बन गया। तो मेरा ब्याह? तेरा ब्याह भी नहीं हो सकता। क्यों? ओ छोटे गुस्सा ना कर, अगर तेरा ब्याह करेंगे तो तेरे बच्चे होंगे। जरूर होंगे, हो सकता है इकट्ठे दो दो भी हो जाएं। चलो दो दो हो जाएं। वो क्या खाएंगे? तेरा दूध पियेंगे। ओहो दूध तो पियेंगे पर पैसे कहाँ से आएंगे? तो काम पर लगेगा तो ही कुछ बनेगा ना। ये तो सही है। हाँ मैं इसी वक्त काम ढूंढता हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छी तरकीब बता गया, अपना काम हो गया। चौधरी साहब मैं सूद समेत सारा का सारा कर चुका दूंगा, मैंने बहन का ब्याह करना है, मुझ पे ना सही उस बेचारी पर तरस खाओ। चौधरी साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ। अबे मैं भूला नहीं, तेरे भाई ने मुझे सरे बाजार सांप कहा था। अबे मैं तुम्हें पालू
और तुम मुझे सांप कहो? चौधरी साहब माफ कर दो, उसके किए की सजा मुझे ना दो। अगर आप ये गेहूं ले गए तो मेरी बहन का ब्याह नहीं हो सकेगा, मेरी नाक कट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चौधरी साहब दूर हट बे। चौधरी साहब मैं अपनी पगड़ी आपके पाँव में रखता हूँ। अपनी पगड़ी से मेरे पाँव न गंदे कर, उठा यहाँ से। किसान की इज्जत उसकी पगड़ी होती है, पगड़ी के वास्ते तो सर कट जाते हैं। तूने क्या किया? पगड़ी हौसला रख भाई, ये पगड़ी तेरी नहीं सारे गांव की उतरी है, पर आज के बाद बिल्ले के होते हुए किसी किसान की पगड़ी नहीं उतरेगी। बुरिया हो सकता बिल्ले जानता है किससे टक्कर ले रहा है? मैं गांव का चौधरी हूँ। चौधरी? तू चौधरी नहीं, एक बहुत ही घटिया आदमी है, वो आदमी जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं, वो आदमी जो गरीब किसान की खून पसीने की कमाई पे डाका मारता है। तू आदमी नहीं डाकू है, डाकू, वो डाकू जो शरीफ लोग डालता है। और आज के बाद अगर तूने किसी की पगड़ी की तरफ आंख भी उठाई तो तेरी और तेरे पिट्ठुओं की आंखें निकाल के रख दूंगा। बहुत हो गया बे, देखते क्या हो, टुकड़े कर दो उसके। सीधा किया है, मेरे होते हुए इस बस्ती में कोई गुंडा अपना सर नहीं उठाएगा, और जो उठाएगा तो उसका सर फाड़ देगा, उसकी जान निकाल लेगा, जो कि तू बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत ताकत है तेरे अंदर। हाँ बाबू, मैं बदमाशों का बदमाश हूँ और ताकत में भी किसी से कम नहीं। तो तू अपनी ताकत से कमजोरों को मारना चाहता है? मैं कमजोरों को मारना नहीं चाहता, कमजोरों को मारने वालों को मार। मैं पूछता हूँ तुझे ये सब कुछ करने का क्या हक है? या आप उससे जाके पूछिए जिसने गांव में गुंडे पाल के रखे हुए हैं, जो गरीब किसान की कमाई को जबरदस्ती उठवा के ले जाता है, जो सूद पे पैसे देके दुकानदारों का माई बाप बना हुआ है, उस शैतान चौधरी से जाके पूछिए जो बस्ती के मजलूमों का खा रहा है। तो मैंने उसके दांतों के क्या गुनाह किया है? तूने गुनाह किया है, और वो गुनाह है कानून को अपने हाथ में लेना। मैं तुझे पहली और आखिरी बार कहता हूँ कि आइंदा तूने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा, भले तू मेरा बेटा ही सही। बिल्ले की माँ समझा रहे इसको, वरना बाद में रोएगी। माँ, बापू मुझे अंदर करने की धौंस दे गया है, तू क्या कहना चाहती है? मैं कहना नहीं चाहती, करना चाहती हूँ तेरा ब्याह। ब्याह? माँ, बापू मुझे बेड़ियां लगाना चाहता है और तू भी चाहती है, पर मां इस दरिया को कोई बांध नहीं सकता। अरे बड़ी देर लगा दी लच्छी, देख सूरज कहां आ गया है। मैं तो दिन में तेरे ही सपने देखती हूँ, सूरज को देखने की फुर्सत ही कहां होती है। अगर तुझे इतनी जल्दी रहती है तो शहर से बढ़िया सी घड़ी मंगवा देना। क्यों, तुझे भी फैशन की बीमारी लग गई है? इसको फैशन थोड़ा ही कहते हैं, घड़ी झट बता दिया करेगी,
कि मेरे पिया को भूख सताने लगी है। लड़कियों को घड़ी कभी नहीं बांधनी चाहिए, उसमें बहुत खराबियां होती हैं। तू घड़ी कभी नहीं बांधना। क्यों? परी न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, हो अरी न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुसे टाइम पूछेंगे, अरी न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुसे टाइम टाइम पूछेंगे। मिलेंगे जवान तेरा रा रुक जाएगा, कह कह टैम तेरा मुंह थक जाएगा, मिलेंगे जवान तेरा रा रुक जाएगा, कह कह टैम तेरा मुंह थक जाएगा, दिल अपने वो तेरे ओ तेरे तेरे तेरे, दिल अपने वो तेरे पैरों पे रख देंगे, हरी न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे। घड़ी बंधी देख बड़ी पड़ेगी दुहाई रे, यूं आवाजें आएंगी वो घड़ी वाली आई रे, घड़ी बंधी देख बड़ी पड़ेगी दुहाई रे, यूं आवाजें आएंगी वो घड़ी वाली आई रे, फूल सी जवानी जवान जवान जवानी, फूल सी जवानी का नजारा लूटेंगे, अरी न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे। ढक कर रख तेरा रूप है कुंवारा जी, आज तक वादों ही से किया है गुजारा जी, ढक कर रख तेरा रूप है कुंवारा जी, आज तक वादों ही से किया है गुजारा, रखवाली करते मर गए हम मर गए मर गए मर गए, रखवाली करते मर गए मौजे और लूटेंगे, अरे न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, अरे न बांधो गोरी बाजू पे घड़ी, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, जीरा चलते मन चले तुझसे टाइम पूछेंगे, हीरिए टाइम पूछेंगे, गोरिए टाइम पूछेंगे, सोनिए टाइम पूछेंगे। राजू ये तो कहो हमारे ब्याह की घड़ी कब आएगी? लच्छी अब तो हमारे ब्याह की घड़ी और भी आगे बढ़ गई है। क्यों? इसलिए कि पहले मेरे बड़े भाई बिल्ले का ब्याह होगा, उसके बाद हमारा होगा। तो फिर ये ब्याह कभी नहीं हो सकता। क्यों? किसके माँ बाप बिल्ले जैसे आदमी को अपनी लड़की के वास्ते हाँ करेंगे?
जैसे खोटी किस्मत वाली लड़की होगी जो बिल्ले के साथ ब्याह करेगी। लच्छी, ब्याह तो संजोग से ही होता है, किसका ब्याह किसके साथ और किस दिन होना है वो तो पहले से लिखा होता है। बिल्ले का ब्याह जिस घड़ी और जिसके साथ लिखा है हो जाएगा, और उसके बाद हमारा भी ब्याह हो जाएगा। माफ करना उस्ताद जी, तेरे इस चेले ने बहुत दुखी किया, मैं चलती हूँ। अरे उस्ताद जी, मेरे होने वाले साले ने मेरे काम में फिर गड़बड़ कर दिया। अब मेरा ब्याह तभी हो सकता है अगर तुम मुझे कोई काम दिलाओ। मुझे कौन सा काम आता है, मुझे तो सिर्फ हल चलाना आता है, तू भी चला ले। ये हलचल वाला मुश्किल काम हमसे नहीं होगा, कोई आसान काम दिलाओ। सीधा काम तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं किया, मैं क्या कहूँ। तेरा बाप क्या करता है। मेरा बाप थानेदार है। ओ खुश कर दिया आप, बस तुम मुझे बना दे थानेदार। ओ थानेदार बनना आसान नहीं है। और क्या है, हाँ तो डंडा पकड़ लो और बन गए थानेदार। सिर्फ डंडा पकड़ लेने से कोई थानेदार नहीं बन जाता। तो और क्या पकड़ना पड़ता है, तेरा मतलब है मूंछें और टोपी भी पहननी पड़ती। ओ बेवकूफ, थानेदार बनना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे लड़की फंसाने से तो मुश्किल नहीं है, अगर तेरी इस तरकीब से लड़की अगर फंसा सकते हैं तो थानेदार नहीं बन सकते। तो जा सीधा थाने और बन जा थानेदार। मैं सीधा जाता हूँ थाने और तुझे बनकर दिखाता हूँ थानेदार। जा जा, मैं भी चला। लड़की कौन है तू, यहाँ क्यों खड़ी है। मेरा चाचा फसल बेचकर रुपए लाया था, अंदर जुआ खेल रहा है, जो कुछ होता है शराब और जुए में लुटा देता है। कौन सा है तेरा चाचा। वो जो सामने बैठा है। तू यही डर, मैं उसको ले आता हूँ। अच्छा, पचास, सौ, दो सौ, सौ, गुलाम बेगम बादशाह, देला गुलाम बेगम। इसके पैसे वापस कर दे। क्यों, बताऊं तुझे। है? ये क्या है, और तू कौन है दखल देने वाला। बिल्ले से पूछता है कौन है। तेरी बिल्ला, गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ, मैंने पहचाना नहीं था। अब पहचान गया। हाँ पहचान गया। भाग जा यहाँ से, भाग जा। तेरी उड़ा ये पैसे, उड़ा। तू तो कोई भगवान का फरिश्ता लगता है, तेरे इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा। अगर तू मेरा एहसान चुकाना ही चाहता है तो एक दो बाजी मेरे साथ खेल ले। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, कुर्सी आगे कर। सो सो, एक और, एक और, चो, चो, हाँ? गुल्ला, गुल्ला, एक और गुल्ला, एक और गुल्ला। बिल्ला क्या मतलब। बिल्ले का मतलब नहीं जानता ना। बिल्ला इस इलाके का क्या है, बाहर निकालो। बादशाह है बिल्ला, बादशाह। बेगम, मैं तुझे कहना ही भूल गया, बाहर तेरी भतीजी खड़ी तेरा इंतजार कर रही है। चल चल, ये तेरा चाचा, संभाल ले से। मैं तो समझी थी तू कोई अच्छा आदमी है, तू तो इनका भी उस्ताद निकला, सब जुआरी एक जैसे होते हैं। चल चाचा। ठहरो लड़की, ये ले, ले, सब जोहरी एक जैसे नहीं होते। ये रुपए संभाल के घर ले जा,
चाचा को ना देना। ज्वरी का क्या भरोसा, घर पहुंचने से पहले फिर हार जाए। माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझी थी। मैंने तुझे क्या समझा है, वो मेरा दिल ही जानता है। क्या बात है बिल्ले शाह जी, कहाँ खो गए हो हैं? ये लड़की कौन है? ये अमीर चंद की भतीजी लच्छी है। लच्छी? ओ भैया क्या बात है, आज बहुत खुश हो, जुए में बहुत माल जीत लिया क्या? नहीं छोटे, आज मैं कुछ जीत कर नहीं हार के आया हूँ। हार कर आया और फिर भी खुश है? हाँ छोटे, जिंदगी में आज पहली बार मैं हारा, और जो मजा मुझे हार में आया वो जीतने में आज तक नहीं आया। आज मैं एक लड़की के आगे अपना दिल हराया। दिल हारा एक लड़की के आगे, और वो भी तू? ओ भैया उसमें तूने क्या देखा? आज यार के नजारे यारो रब देखा, रब देखा। आज यार के नजारे यारो रब देखा, रब देखा। वो भी देखा तो, वो भी देखा तो यार के सबब दे जारे यारो रब देखा, रब देखा। आज यार के जब देखा, रब देखा। आज यार के नजारे यारो रब देखा, रब देखा। आज यार के घटाएं लड़ती हैं, जुल्फे यार की जो आके मुखड़े पे पड़ती है, जैसे बिजली के साथ घटाएं लड़ती हैं। इन आंखों ने माही जब जब देखा, रब देखा। आज यार के नजारे यारो रब देखा, रब देखा। आज यार के सब हस्तियां, यार निकला मैं खाने से जब लेके म
सब हस्तियां खोल आंखें नजारा जी सब देखा रब देखा आज यार के नजारे यारो रब देखा आज यार के न झेल सका पर्दा आँखों से हटा के जब यार को देखा नूरी मुखड़े किताब को न झेल सका उस रब ने जी जब नया रब देखा आज यार के नजारे यारो रब देखा वो भी देखा तो यार के सबब देखा आज यार के नजारे यारो रब देखा आज यार के माँ बोलोगे माँ माँ तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ बिल्ले तू शराब पीकर आया है ओ माँ शराब को मार गोली और खुशखबरी सुन मेरे लिए तो खुशखबरी उस दिन होगी जिस दिन तू आकर कहेगा कि माँ मैंने शराब छोड़ दी अगर ऐसा ही है माँ तो फिर आज से तेरे बिल्ले ने शराब छोड़ दे खा मेरे सौगन माँ तेरी सौगन खा के कहता हूँ माँ आज से शराब नहीं पीऊंगा आप तो खुश है ना बहुत खुश अब सुना दूसरी खुशखबरी ओ छोटे तू ही कह दे माँ से माँ भैया ने एक लड़की पसंद कर ली है तूने हाँ माँ मेरा उस लड़की से ब्याह होना चाहिए जो बापू ने उसमें टांग अड़ाई तो तेरी सौगंध माँ मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा जो ब्याह हो गया जो कहोगे करूंगा तेरा बापू टांग क्यों अड़ाएगा पर वो है कौन उसके चचा का नाम है अमीरचंद और लड़की का नाम है लच्छी अगर लड़की अच्छी है तेरे बापू को मैं मना लूंगी पहले मैं लड़की देख लूं धन्य भाग है जी जो इस गरीब के घर पधारे हैं हुकुम कीजिए मैंने आपकी भतीजी लच्छी की बड़ी तारीफ सुनी है मैं अपने बड़े बेटे बिल्ले के साथ उसका रिश्ता करना चाहती हूँ अगर इतराज न हो तो एक बार लच्छी को देख लो एतराज मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं लच्छी को इतना बड़ा घर मिल जाए तो और क्या चाहिए आप बैठिए मैं अभी लच्छी को लेकर आता हूँ लच्छी अरे पगली तेरे तो भाग खुल गए थानेदार की पत्नी आई है तुझे देखने अपने बेटे के लिए चल जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा हैं? राजू की माई है रिश्ते की बात पक्की करने ये लो आ गई जीती रहो बेटा जीती रहो डाल दीजिए सारा झोले में राजू
राजू, 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 ईश्वर ने हमारी सुन ली। तेरी माँ हमारे घर आई थी, तेरा मेरा रिश्ता पक्का कर गई। बहुत दिन दूर नहीं जब मेरे इन हाथों में मेहंदी लगेगी, मैं डोली में चढ़ के तेरे घर जाऊंगी, थानेदार की बहू बनूंगी। क्या हुआ राजू, तू चुप क्यों है? किसी के साथ लड़के आया है? हाँ लच्छी, तकदीर मुझसे लड़ पड़ी है और मैं हार गया हूँ। क्या कह रहे हो लच्छी? तेरे हाथों में मेहंदी जरूर लग रही है, तू डोली में बैठ के मेरे घर भी आ रही है, थानेदार की बहू भी बन रही है। तो फिर? पर तेरा ब्याह मेरे साथ नहीं, मेरे बड़े भाई बिल्ले के साथ हो रहा है। नहीं, ये तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ लच्छी, मेरी मां तेरा रिश्ता बिल्ले के साथ पक्का करी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता था लेकिन हो गया है, आप तो बिल्ले की हो गई है। मैं तेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। लच्छी, तू कहती थी ना बिल्ले के साथ कौन ब्याह करेगा, उसने तुझे पसंद किया है और उसने सौगंध खाई है कि तेरे साथ ब्याह करने के बाद वो सारे बुरे काम छोड़ देगा। अब आदमी सिर्फ तू उसे बना सकती है। इस गांव के भले के वास्ते, मेरे माँ बाप के वास्ते, मेरे भाई के वास्ते और मेरे वास्ते तुझे ये बलिदान देना ही पड़ेगा। तेरे वास्ते भाई, बाप, गांव सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। औरत जिंदगी में एक ही बार दिल देती है, दूसरी बार दिल देने वाली बाजारी औरत होती है। मैं ब्याह करूंगी तो तेरे साथ, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी। लच्छी बात तो सुन जा, लच्छी 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 मेरी बात तो सुन जा, लच्छी लच्छी। शाहजी, ऐ कुछ काम बना? कोई लड़की वड़की मिली कि नहीं? ओ लड़कियां कहाँ मिलनी थी, मुझे तो लगता है जैसे सारे गांव में लड़कियों का अकाल पड़ गया हो। कमाल है, आप कहते हैं अकाल पड़ गया है, यहाँ तो लड़कियों का घाटा ही नहीं, बहुत लड़कियां हैं। कहाँ है लड़कियां? मैं अभी कसम आपकी इतनी सुंदर लड़की देख के आया हूँ जैसे ऊर परी। अबे तारीफ ना कर, मेरा कलेजा ना जला, जल्दी दिखा कहाँ है। दिखाता हूँ शाहजी, वो देखो वो बैठी है नीली चुनरी वाली। ओए तेरी नीली चुनरी, ओए रानी, मैं आया रानी, आया। छोरी ओ गोरी। मैंने कहा तू कुछ भी नहीं कहती, ओ चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। मैंने कहा तू शादी या ब्याह करेगी? ये मर जाने जा, तेरे साथ? हाँ, मैं तो उसके साथ ब्याह करूंगी जो ब्याह में अमृतसर का बाजा बजवाए। हैं? तेरे जैसे नंग के ब्याह पे तो बाजा भी नहीं बजेगा। हैं हैं, अरे अरे तू अमृतसर के बाजे की क्या बात करी रही, अरे मैं तो मिलिट्री का बैंड बजवा दूं, मिलिट्री का। हाँ, तू शादी कर ले गोरिये, तू शादी कर ले गोरिये, तू शादी कर ले गोरिये, फिर बाजा आप ही बजे बजे, फिर बाजा आप ही बजे बजे, शादी कर ले गोरिये, तू शादी कर ले गोरिये, फिर बाजा आप ही बजे बजे, फिर बाजा आप ही बजे बजे। जब सौ सौ झूठी लगे लगे, जब सौ सौ झूठी लगे लगे,
कहानी हो जूतों वाली बात पुरानी, खाते निकल गई जिंदगानी। जो लड़की सौ जूते मारे, जो लड़की सौ जूते मारे, वो मुर्गी आप ही फंसे फंसे, वो मुर्गी आप ही फंसे फंसे, फिर बाजा आप ही बजे बजे है। दिखा के कुल्फी अंबर सर की खिला के, घंटा घर लुधियाने का दिखा के, कुल्फी अंबर सर की खिला के, देखे जलंधर फिल्म मोरनी, देखे जलंधर फिल्म मोरनी, दिल को हो तेरे दिल को अच्छी लगे लगे, हो तेरे दिल को अच्छी लगे लगे, हो फिर आप ही बाजा बजे बजे। बजे फिर बाजा आप ही बजे बजे, तू अकेला ही बजा। अरे तू ठहर जा, हाय तू कहाँ चली, हरी सुंदर कली, हरी मेरी बली, तू भी छोड़ चली, ये छोड़ पल्ला। हाय मैं रहा अकेला, 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 रहा अकेला, रह गया रह गया। शाहजी, मैंने कहा शाहजी उठो, काम हो गया। वो काम खाक होना था, ये लड़की भी मेरे सर पे राख फेंक कर चली गई, अब मैं क्या करूं? ओ शाहजी, ऐसा करो, साथ वाले गांव में जाकर कोई और लड़की देख लो, अपने गांव की लड़कियां तो बहन बराबर होती हैं, सुना? कह तो तू ठीक रहा है, पर मैं जाऊं कहां? शाहजी सुना है, साथ वाले गांव में रामू लोहार की लड़की है ना मोरनी, वो ब्याहने लायक हो गई है, वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाओ, जाओ। क्या कहा मोरनी? हाय मोरनी, ये ले दुकान और मकान की चाबियां, और मैं चला उसे मिलने, उसे और मुझसे अच्छा कहां मोर मिलेगा। मोरनी मैं आया, मोरनी मोर बन के। मोरनी, ओ लड़कू, वो घोचू तोलाराम चला गया ना? हाँ जी हाँ जी, यह नाटक कामयाब हो गया है, अब तो मौज ही मौज है। वाह 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 वाह, तू तो उसकी दुकान को संभाल ले। अच्छा, और मैं उसका मकान, और मकान में रहने वाली को संभाल लेता हूँ। मिलाओ हाथ मारा, मिलाओ मारा। बदला बदला बदला, बापू मैंने बदला लेना है और जरूर लेना है, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बेटा जोश मिना, उतावला ना हो, अब गनासे की सीधी मार से काम नहीं चलेगा, गुप्त मार मारनी पड़ेगी, क्योंकि गुप्त मार गहरी होती है। शुक्र है तू जेल से बाहर आ गया, अब देख मेरे हथकंडे, थानेदार, थानेदार के दोनों बेटे, थानेदार की कुर्सी, थानेदार के घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा।
क्या बात है बिल्ले, बहुत खुश है? अपना ब्याह जो हो रहा है। अरे बेशरम, एक बात ना भूलना, ब्याह के बाद कोई काम धंधा भी करना पड़ेगा। समझिया जी समझिया। क्या बात है, क्या हो रहा है बेटों के साथ? बाबू काम धंधा करने के लिए कह रहा है। इनको तो काम काज के सिवा कुछ है ही नहीं। पहले ब्याह तो हो जाने दीजिए मेरे बेटे का, काम अपने आप होते रहेंगे। माँ भैया खेत संभाल ले तो मैं शहर जाकर नौकरी कर लूंगा। रहने दे रहने दे, एक शहर से आया है दूसरा शहर जाना चाहता है। इस फसल पर इसका ब्याह हो जाने दे, अगले फसल पर तेरा ब्याह कर देंगे। हाँ तुम दोनों भाई शहर चले जाओ और ब्याह का सामान ले आओ। कैसा सामान? हद हो गई है भाई, घर में बहू आ रही है उसके लिए चार कपड़े भी चाहिए। मैंने लच्छी के चाचा को कह दिया कि हमें लड़की तीन कपड़ों में चाहिए, हमें दहेज वहेज की कोई लालच नहीं। भाग्यवान, तेरी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर सारे बेटों की माताओं के ख्याल तेरे जैसे हो जाए तो दहेज जैसी लानती रसम जड़ से उखड़ जाए, हिंदुस्तान की लाखों लड़कियों के भाग जाग जाए, वो अपने माँ बाप पर कभी बोझ न बने, कभी बोझ न बने। शहर जा रहे हैं दोनों? बापू वक्त आ गया है बदला लेने का, मैं दोनों को रास्ते में खत्म कर दूंगा। और नहीं बेटा, तू अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, वो दोनों आप ही मरेंगे, जहर से, अफीम के जहर से। पहले वो दोनों भाई मरेंगे, फिर उनका बापू थानेदार मरेगा। कमन जी, तू कलू को मेरे पास भेज दे। अच्छा जी। चलो छोटे, तू नीचे क्यों खड़ा है? भैया तुझे कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओ पर तुझे काम क्या है, बोलता क्यों नहीं? वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा जैसी तेरी मर्जी, चलो बुला के राम। क्या है तांगा, क्यों रोका है? तेरी तलाशी लेनी है। तलाशी? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम बिल्ला है। पर हमें ऊपर से हुक्म आया है तेरी तलाशी लेने का। अच्छा ले लो तलाशी ले लो। ये बक्सा तेरा है? खोल। खोलता हूँ। ले लो तलाशी ले लो तलाशी। ये तो अफीम है, हमें खबर ठीक ही मिली थी। अफीम? इसके अंदर कैसे आई? तुझे जो कुछ कहना है थाने जाकर कहना। तूने ये काम भी शुरू कर दिया है, लेगा बंद कर दो इसे। पर बाबू मेरी बात तो सुन, खबरदार जो मैंने बाबू कहा, इस वक्त मैं तेरा बाबू नहीं, मैं थानेदार हूँ, तू एक मुजरिम है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब मुझे तेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी जुर्म करना भूल जाएगा। लेगा से मेरे सामने बापू, ये ना इंसाफी है, किसी की शरारत है। एक बेकसूर को अंदर करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है बापू, तू पछताएगा बापू। मैंने कहा जी, जो मैंने सुना है वो सच है? झूठा तो मैं था जिसने कहा था कि बिल्ला एक ना एक दिन जरूर कोई मुसीबत लाएगा। उसने मेरी नाक कटवा दी, वो अफीम लाता पकड़ा गया। अफीम? नहीं ये झूठ है, उसने मेरी सौगंध खाई थी, वो ये काम कभी नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है पर अब वो कभी कुछ नहीं करेगा, उस पर मुकदमा चलेगा, उसे सजा मिलेगी। सजा? नहीं, उसके ब्याह का क्या होगा? उसका ब्याह जाए भाड़ में, फिर ये नौकरी भी जाए भाड़ में। छोड़ दे ऐसी नौकरी जिसके कारण इतने कोरे बन गए हो, बच्चों का मोह भी भूल गए हो, मुझे भी भूल गए हो। राजू की मां, तू इस वक्त अपने आप में नहीं, तू एक चीज भूल रही है, मैं सिर्फ एक पिता ही नहीं पुलिस वाला भी हूं, कानून की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती,
मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम उससे भीख नहीं मांग रही, तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही, अपने आंसुओं की रिश्वत। ये थानेदार मरता मर जाएगा लेकिन रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा। कौन है तू? अरे बिल्ले शाह, बनना था तुझे दूल्हा और थानेदार ने तुझे हवालात में बंद कर दिया है। ओ यार, मुझे तो तरस आता उस लच्छी पर जो तेरे काम से भी गई और तेरे भाई राजू के काम से भी, जो उसे प्यार करता था। राजू लच्छी को प्यार करता था? क्या बकता है? मैं बक नहीं रहा, जो हकीकत है वो कह रहा हूँ। ना तू राजू और लच्छी के प्यार के रास्ते में आता और ना तुझे हवालात की हवा खानी पड़ती। ये सारा बखेड़ा राजू का है बिल्ले शाह। राजू का नहीं, ये नामुमकिन है। हर चीज आजकल के जमाने में मुमकिन है। अगर तुझे मेरा यकीन नहीं होता तो ये ले आ रही कार दिस लाखें और जाकर लच्छी से आप ही पूछ ले। थानेदार साहब, क्या बात है? बिल्ला हवाला से भाग गया है। बिल्ला हवाला से भाग गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भाग कर जाएगा कहां? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बिल्ले तू? हाँ, सच सच बोल। तू मेरे छोटे भाई राजू से प्यार करती थी? हाँ करती थी और करती रहूंगी। इसका मतलब है मुझे ठीक कहा गया है। तुझे पता नहीं तेरा ब्याह मेरे साथ रखा हुआ है? तेरे जैसे शैतान के साथ मैं ब्याह करूंगी? मैं राजू की हूँ, राजू की रहूंगी। जो अब राजू रहेगा तो ना। मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। अगर तू लच्छी को प्यार करता था तो पहले ही कह देना था, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ मीठा बना रहा और मेरे तांगे में अफीम रखवा कर मुझे अंदर करवा दिया। मार ले और मार ले, एक शैतान से भला करने का यही फल मिलना चाहिए। तूने और मेरे साथ भला किया कमीने, मौत के डर से बकवास कर रहा है? आज तो मैं तेरे हाथों मर ही जाऊंगा। अच्छा तुझे पता चल जाए कि कमीना कौन है और इस जहरीले नाग, जिस दिन तू परसों के इंतजार के बाद लौटा था, इस भाई का दिल खुशी से भर आया था, माँ की दुआएं पूरी हो गई थी और पापू का दिल खुशी से झूम उठा था। पर जब तेरे काले करतूत और तेरे झगड़े देखे, हमारी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। तूने लच्छी को पसंद किया और माँ ने सोचा शायद तेरा ब्याह करके एक शैतान इंसान बन जाए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मैंने लच्छी को साफ कह दिया कि मुझे भूल जाए और वो मेरे बड़े भाई बिल्ले के साथ ब्याह कर ले। पर आज तूने साबित कर दिया कि शैतान कभी इंसान नहीं बन सकता। चला गोली और चीर दे मेरा सीना, चला गोली, ताकि कोई भाई भाई के वास्ते कुर्बानी न दे। चला गोली, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? चला गोली, चला। तूने इतनी गोलियां चला दी हैं, अब मैं क्या गोली चलाऊं? छोटे भाई मुझे माफ कर दे। छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं पर तू छोटे होते हुए भी हर तरह मुझसे बड़ा है, मुझे माफ कर दे। छोटे, तू ये कह, हमारी पीठ पे गोली किसने चलाई है? बिल्ले, 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 चौधरी का बेटा करमू लच्छी को जबरदस्ती उठा कर ले गया।
मैं थाने जाता हूँ। कर्मो रुक जा बिल्ले, बाबू आज मुझे रोका ना है, मैं कर्मों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने कानून को अपने हाथ में लिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबू तू अपना कानून चलाओ, मैं अपना कानून चलाता हूँ। बिल्ले रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिल्ले बिल्ले मार के तो रुक जा, बिल्ले रुक जा, रुके बिल्ले रुक जा, बिल्ले रुक जा। क्या कर रहे हो, अपने हाथ से अपने बेटे को गोली मार रहे हो? आज की मैं आज बिल्ला मेरे हाथ नहीं बचा सकता। हटा हटा मेरे हाथ से। नहीं लच्छी, तू सिर्फ मेरी है, मेरी और किसी की नहीं, ना राजू की और ना ही बिल्ले की। मैंने ऐसी आग लगाई है कि बिल्ला राजू को मार देगा और बिल्ले को उसका बाप थानेदार फांसी लगवा देगा। कर्म की जीत हुई है लच्छी, आज तू भी कर्म को जीत ले। मैं तेरे मुंह पर थूक भी नहीं। तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। छोड़ दे। कहाँ है कमीने? नीचे उतर। नीचे उतर नहीं तो गोली मारूंगा। अब चला गोली। मौत को सामने देख के लड़की की आड़ ले रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Thank you.
पुलिस में रिपोर्ट मैंने की थी, इसका कोई कसूर नहीं, इसको बिगाड़ने वाला मैं हूँ, सारे फिसाद की जड़ मैं हूँ थानेदार साहब, मैं हूँ। उठ, उठ, चौधरी के पिल्ले, उठ, जाओ, जाओ। चौधरी साहब, आप तो गांव के चौधरी, गांव की रक्षा करना आपका धर्म है, आपका ईमान है, अगर चौधरी ऐसे काम करने लग जाए तो पूरे गांव का क्या होगा? थानेदार साहब, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मसार ना कीजिए। ये ले बापू, पकड़ ले असली मुजरिम को। अब तो ये साबित हो गया कि मैं बेकसूर था। नहीं मिलने, तू बेकसूर नहीं, इन पर तो केस चलेगा और तुझे हवालात तोड़कर निकलने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है बापू, पकड़ ले मुझे, जेल जाएगा आवारा बिल्ला और बाहर आएगा एक ईमानदार थानेदार का शरीफ बेटा। बिल्ली मेरे बच्चे, मुझे बता तुझे कहां गोली लगी है मेरे बच्चे। मां, मेरे बदन में गुनाह का गंदा खून था, आज बापू की गोली ने वो गंदा खून निकालकर मुझे पवित्र बना दिया है। बापू, जेल जाने से पहले एक फर्ज पूरा कर लो। छोटे, दुनिया में प्यार करने वालों के दरमियान हमेशा दीवारें आती हैं, पर प्रेमियों का सच्चा प्यार उन दीवारों से ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है। तुम दोनों के बीच दीवार बनने वाला मैं कौन हूं? लच्छी तेरी है, हाँ, और तेरी रहेगी। बस मेरी यही दुआ है, सदा खुश रहो, खुश रहो। ये ले पैसे। चल आजा, आप तो अपना घर आ गया, साथ आ जा, आ जा। ओए तोला राम, तेरा काम बन गया है? मोरनी को ब्याह लाया? अब वो मोरनी तो पता नहीं किस गधे के साथ भाग गई है? तो फिर मैं उसकी छोटी बहन शेरनी को ब्याह लाया। ओ, मर गए। अरे जालिम, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? देख, तेरी प्यार में मैं सूख कर कांटा हो गई हूँ। आ गले लग जा, मर गए, मर गए, मुझे बचाओ, अरे आ जा, मुझे मोटी से बचाओ। ओ, ये क्या हो रहा है? ओ शेरनी, अब तू कुंवारी नहीं रही, अब तेरा मेरे साथ ब्याह हो गया है। हाय रामा, ये तो मैं भूल ही गई थी कि मेरा ब्याह हो गया है, मैं तो अपने आप को कुंवारी समझ रही थी। ओए, तेरा ब्याह तो हो गया है, अब हमारा ब्याह भी करा दे। ओ, अब जब मेरा ब्याह हो गया तो अपना ब्याह भी हुआ ही, समझ? मैंने कहा हमारा ब्याह तो हो गया, पर अभी तक सुहाग रात नहीं मनाई। ओए ओए, मैं कौन सी रात मनाऊं? प्रभु ने हमारी सुन ली, अब हमारे साथ कोई भी नहीं आ सका। माफ करना उस्ताद जी। अरे तू यहां भी आ गया? बात यह है, मेरा ब्याह तो हो गया है, अब ये कहो कि अब मैं क्या करूं? तूने सब कुछ मुझसे ही पूछा है, अब जाके किसी और से पूछ। बड़ा पूछने वाला कदा। अयो, इसने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, अब तुम ही मेरे उस्ताद बन जाओ और मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? अरे इनसे क्या पूछता है, इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ क्या करूं।